हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का पुराने वर्षों के यूपीएससी मेंस पेपर डिस्कशंस में। इस लेक्चर सीरीज के तहत दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके सामने वर्ष 2015 का GS3 का डिस्कशन। भाई इसमें भी ये जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है, इसके पहले एक और वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं जिसमें हमने 4 से 5 क्वेश्चन को गहराई में जाके अच्छे से डिस्कस किया। और अगर मैं बात करूं शुरुआत से लेकर तो देखिए हमने वर्ष 2013 से इस सफ़र की शुरुआत की थी। GS1 के डिस्कशन से हम लोग चलते हुए आज वर्ष 2015 पे आ चुके हैं जिसमें भी ये GS3 का डिस्कशन है। तो मेरी गुजारिश है दोस्तों, अगर आप नए हैं, आपने अभी अभी मुझे ज्वाइन किया है, तो प्लीज़ शुरू से हमारे सारे वीडियोज़ देखें। आपको इन वीडियोज़ से बहुत मदद मिलेगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको अपनी आंसर राइटिंग को सुधारने में ये वीडियोस बहुत हेल्प करेंगे। हमारा इस जो लेक्चर सीरीज़ है इससे एक ही लक्ष्य है कि मेंस में उतरने से पहले आपकी आंसर राइटिंग बहुत बेहतर हो पाए, बहुत मज़बूत हो पाए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे अपनी आंसर राइटिंग बेहतर कर ली तो आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे ही आएंगे, और अच्छे मार्क्स से आपने ये तय कर लिया कि ये जो पूरा खेल है ये आपकी झोली में ही आ गया। तो प्लीज़ सीरीज़ को पूरा देखें, प्रैक्टिस करें। एक और मेरा निवेदन रहेगा दोस्तों आपसे कि ये देख लीजिए, आपने अगर मेरा वीडियो देखा एक, आपने उससे कुछ नॉलेज एक्वायर की, आपने उससे कुछ सीखा, तो ये जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है इसको महज अपने दिमाग तक ना रहने दें, इसको अप्लाई करें, इसको आप यूज़ करें। आप एक वीडियो देख के कम 1 से 2 आंसर लिखें। भाई इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आज के समय में जो भी मुद्दे आपको लगते हैं इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आप पेपर पढ़ते होंगे, आपने लगातार कुछ मुद्दों को फॉलो किया होगा, देखिए आपको नेट पे आराम से उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप उस क्वेश्चन को देख के उसका आंसर करें। तो ये जो आपने इस वीडियो से सीखा इसको अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तभी आप अपने आंसर्स में फ़र्क देख पाएंगे। देखिए एक सुन लेना और समझ लेना अलग बात है, लेकिन जब आप खुद अपनी आँखों से देखेंगे कि हाँ मेरा आंसर इम्प्रूव हो रहा है, हाँ मैंने जो पहले लिखा था उससे अब मैंने जो 10 वीडियो के बाद लिखा है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, तब आप भरोसा करेंगे। तो मेरा निवेदन है दोस्तों, प्लीज़ इस बात को मानिए कि आप वीडियो देखने के बाद अपनी प्रैक्टिस ज़रूर जारी रखिए। देखिए ये आप फॉलो करेंगे तभी जो आपका और हमारा सपना है, जो हमारा लक्ष्य है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएँ, एग्ज़ाम क्लियर कर सके, वो सार्थक हो पाएगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को फॉलो करें और फिर हमारे साथ आगे बढ़ें, हमको अपनी नींव बनाएं और हमारे ऊपर ग्रो करें, आप अपने आंसर्स को बेहतर बनाएं। तो आइए इसी नोट के साथ मैं शुरू करता हूं अपना आज का लेसन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने अपने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया, आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के सवाल आपके लिए लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि अगर प्राइस सब्सिडी, देखिए सब्सिडी जो सरकार की स्कीम है जिसके तहत सरकार सब्सिडी देती है, वो क्या अभी क्या है, सरकार सब्सिडी अपनी बांटती है, बीच में मान लीजिए कोई मिडलमैन है, मिडलमैन क्या कोई सरकार का ऑफिशियल एजेंट है, सरकार उसको देती है, वो ऐसे इस तरीके से बांटता है अगर वो इस आदमी तक जाने वाली हो, ये कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है। तो अभी जो स्कीम है उसमें कुछ समस्याएँ हैं, उसमें लीकेज के बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें करप्शन का बहुत ऑप्शन है। आप जो पैसा किसी और चीज़ के लिए जा रहा है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं किसी और चीज़ के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इस सब्सिडी को रिप्लेस कर दें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से, तो क्या आज का जो आज की जो सिनेरियो है, आज का जो हालात हैं वो बदल सकते हैं सब्सिडी के लिए, और वो भारत के रिस्पेक्ट में आपको बताना है, करना है आपको डिस्कस। तो आपका कीवर्ड हो गया डिस्कस। डिस्कस में हम क्या करते हैं, हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं इस बात पे, लेकिन हम सटीक बात करते हैं। आपने एक अगर मुद्दा पकड़ा है तो इस पे विस्तार से चर्चा कीजिए, इसके साथ कोई और मुद्दा ना पकड़ें, तो आप अपने मार्ग पे ही बने रहें, डटे रहें, वहाँ से हिले नहीं। क्वेश्चन को हम तोड़ते हैं तो देखिए 2 इसमें भाग निकले हैं। सबसे पहला भाग कह रहा है अगर आप प्राइस सब्सिडी को रिप्लेस कर दें DBTS के साथ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है क्या चीज़ ये। देखिए डायरेक्ट बेनिफिट मतलब ये है कि जो पैसा है अब सीधे ही आपके बैंक के खाते में जाएगा, डायरेक्ट जो है पैसा, बेनिफिट मतलब पैसा आपको ट्रांसफ़र होगा अकाउंट में।
इससे क्या होगा, ये जो बीच के मिडलमैन थे इनका रोल खत्म हो जाएगा, लीकेज नहीं होंगे, सरकार 10 रुपये भेज रही है तो आपके खाते में 10 रुपये ही आएंगे। तो ये सब फायदे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब इसका दूसरा भाग सवाल का है, अगर इस तरीके का कोई नया चेंज लाया जाए तो वो आज के हालात में किस तरीके से तब्दीली ला सकता है, इसमें हमको चर्चा करनी है। अप्रोच सिंपल रहेगी, सबसे पहले बताएं DBTS होता क्या है, फिर उसके बाद बताएं कि आज जो सिनेरियो है उसके साथ क्या समस्याएं हैं, फिर आप पकड़ें बॉडी। बॉडी में आप अपने कंटेंट को 3 भागों में डिवाइड करें। पहला भाग हो जाएगा आपका कि इस स्कीम के संदर्भ में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, तो सरकार के जो स्टेप्स हैं ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट में आपने इसके एडवांटेज बोले कि भाई अगर मैंने रिप्लेस कर दिया तो मुझे ये तो बताना पड़ेगा क्या फ़ायदे होंगे, तो वो फ़ायदे। लेकिन भाई हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो फ़ायदे के साथ कुछ नुकसान, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। यहाँ पे आपने उन चैलेंज की बात कर दी। फाइनली आपने इस तरीके से अपने आंसर को बनाया और एंड किया इसका एक सकारात्मक नोट पे या फिर एक सतर्क नोट पे। देखिए, शुरुआत मैंने की है डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफर को डिफाइन करते हुए। क्या है ये? एक स्कीम है जहां पे क्या पैसा जो है वो सीधे आपके बैंक के खातों में आ जाता है। तो ये आपकी हो गई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब जो करंट है, जो आपका जो सब्सिडी वाली स्कीम है PDS के तहत, उसमें क्या नुकसान है? देखिए, सबसे पहले तो वो इनएफिशियंट है। क्यों? क्योंकि वो करप्शन से भरी हुई है, उसमें लीकेज बहुत हैं, जो पैसा आपने जिस काम के लिए दिया है वो उस तक नहीं पहुंच के कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, तो इस तरीके से लीकेजेस बहुत हैं। उसके बाद ये जो है, ये लीकेज की बात कर ली, उसके बाद देखिए पैसा डाइवर्ट हो जाता है और दूसरे पर्पस के लिए मिसयूज होता है। तो आपने बताया कि भाई नई वाली स्कीम क्या है, इंट्रोडक्शन का पहला भाग, और दूसरा भाग आपने बोला जो पुरानी स्कीम चल रही है सब्सिडी वाली PDS के तहत, उसमें क्या नुकसान है। तो भाई आपने, क्योंकि हमको क्या क्वेश्चन करना है, हमको इस वाली स्कीम को बदलना है, इससे आपको DBTS लाना है, आप इसको ख़त्म करना है, तो आपको इसके नुकसान, इसके फ़ायदे बताने पड़ेंगे। अब आते हैं सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। देखिए, सरकार ने ये वाला जो प्रोग्राम है इसको बहुत सारे अलग अलग स्फेयर्स में चला दिया है। अब ये तो हालांकि उस समय का पेपर हो गया, अब उससे आप 3-4 साल बाद देखें तो ये स्कीम ऑलमोस्ट हर एक स्फेयर में है, क्योंकि ये आपका एफिशिएंट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या डायरेक्टली आपके खाते में या पोस्ट ऑफिस अकाउंट में पैसे आ जाता है, सब्सिडी का पैसा। ये जो स्टेप है इसने बहुत ही पॉजिटिव आउटकम दिखाए हैं, इसीलिए ज़रूरत है हमको इस तरीके की स्कीम को और जगह कॉपी करने की, यानी कि रेप्लिकेट करने की। अगर आपने एक स्फेयर में इसको लगाया है तो ज़रूरी है इधर भी लगाएं, इधर भी लगाएं, इधर भी लगाएं। तो इस तरीके से हमने इसको अटेम्प्ट किया। देखिए, ये अगर आप 2015 में अटेम्प्ट कर रहे होते तो कुछ इस तरीके से आप कर रहे होते, इसीलिए अपने ये बताया है। फिर अपन बात करते हैं एडवांटेज की। तो एडवांटेज क्या होगा? करप्शन कम हो जाएगा, लीकेज कम हो जाएंगे, जिस आदमी तक पैसा पहुंचना है उसी तक पहुंचेगा। ऐसे नहीं ए के पास देना तब पैसा चला गया बी के पास, तो बेटर टारगेटिंग होगी। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग लोगों की अच्छी हो पाएगी। क्यों? अगर मेरे हाथ में पैसा है तो ये मेरे ऊपर है कि मैं आलू खरीदूँ कि टमाटर खरीदूँ। अगर मेरे हाथ में पैसा नहीं तो मेरे 10 रुपये में जो कुछ भी आएगा मुझे उससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास पैसा होता है तो आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है। तो इससे क्या होगा, जो गरीब हैं उनको कोई समस्या नहीं होगी, सभी गुड्स का एक्सेस हो पाएगा और बेहतर उनकी क्वालिटी हो पाएगी, उनकी चॉइस बेहतर हो पाएगी, अच्छा खाने को वो खा पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी। अल्टीमेटली अगर पूरे को एक साथ सम अप करें तो ये है कि उनकी डिसीजन मेकिंग बेटर हो पाएगी। सबसे ज़रूरी है कि बीच में जो ब्रोकर्स या मिडलमैन हैं उनका खेल ख़त्म। भाई होता ये था, समझ लीजिए मैंने आज 10 रुपये भेजे कि एक गरीब को आपको 10 रुपये देने हैं, तो ये आदमी उसको 5 रुपये ही देता था और बोलता सरकार ने 5 रुपये भेजे हैं और 5 रुपये गए इसके जेब में। या फिर अगर इसको पता है 10 रुपये भेज रहा है सरकार, तो ये बोलता है कि भाई तुम्हें पैसे देने के मैं कमीशन लूँगा, कमीशन मेरी 5 रुपये है। तो अल्टीमेटली दिए हैं मैंने 10 रुपये और पहुँचे हैं 5 रुपये। आपको जान के ताज्जुब होगा, कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें ये तक आया था कि अगर ऊपर से सरकार 10 रुपये भेजती है तो PDS सिस्टम के चलते नीचे निचले लेवल पे सिर्फ 1 रुपया ही पहुंचता है, 9 रुपये बीच में कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। तो देखिए कितना जो है ये खराब करप्शन का सिनेरियो था।
लेकिन अब क्योंकि ये मिडलमैन नहीं है, ब्रोकर्स नहीं है, सीधे आपके खाते में गए हैं, तो मैंने 1 रुपए भेजे हो, 25 पैसे भेजे हो या 25 रुपए भेजे हो, सबके सब आपके जाएंगे खाते में। इसीलिए ये सिस्टम बढ़िया है। दूसरी बात, ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है भाई, कुछ इसमें करना नहीं है, सीधे बैंक में पैसे जाएंगे, कोई बीच में आपको कर्मचारी मेंटेन नहीं करने, कोई स्टाफ मेंटेन नहीं करना, तो इस तरीके के जो है खर्चे कम हो जाएंगे, लीकेजेस कम होंगे, अच्छी टारगेटिंग होगी, गरीबों की जो स्थिति है वो अच्छी होगी, गरीबों का अपलिफ्टमेंट होगा। अब लेकिन सिक्कों के तो दो पहलू होते हैं, तो हर एक चीज़ के दो पहलू हैं, इसके कुछ चैलेंज भी हैं भाई। आज के समय में इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी ही नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है कि बैंक में खाता कैसे खुलाएं, खाता खुल गया उसमें हमारे अगर पैसे भी आ गए तो इसको पैसे को कैसे निकालें, तो ये सब के चलते बहुत समस्याएं हैं। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। अब तो हालांकि प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी स्कीम्स आ गई हैं जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को फॉर्मल क्रेडिट इंस्टीट्यूट से, बैंक से जोड़ दिया है, लेकिन उस समय इतना फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं था। फाइनेंशियल इंक्लूजन ना होने की वजह से आदमी लोगों के खाते ही नहीं हैं। अगर भाई अकाउंट ही नहीं है तो आप इसमें क्या चीज़ ट्रांसफ़र करोगे, तो आपकी ये स्कीम फेल हो जाती है। उसके अलावा अगर बताएं तो बैंकिंग सर्विस भी नहीं है, बहुत दूर दराज के कोनों में, रिमोटेस्ट कॉर्नर में देश के बैंकिंग सर्विस उपलब्ध नहीं है, हर जगह बैंक तो अवेलेबल है नहीं। उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि भाई आपने 100 रुपये डाल दिए, लेकिन जो घर वाले हैं वो उसको रुपए को निकाल लें और उसको गलत जगह इस्तेमाल करें, मान लीजिए जैसे गलत आदतों में शराब पीने में इस्तेमाल करें या कहीं और इस्तेमाल करें। आपको पता है कुछ पिछड़े जो हमारे देश के आज भी कुछ जगह हैं जहाँ पे बहुत पुरानी विचारधारा चल रही है, बहुत खराब विचारधारा चल रही है, जिसमें महिलाओं को उनका असली हक नहीं दिया जाता, आज भी मेल की डोमिनेंस है, तो उसके चलते जो मेल है वो इसको गलत चीज़ों में इस्तेमाल कर सकता है और फैमिली में किसी और की से है नहीं, किसी और का ओपिनियन मतलब रखता नहीं, तो यहाँ पे इससे क्या है, गलत चीज़ों को बढ़ावा मिल सकता है। तो भाई इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपके जो फूड में पैसा जाना था वहाँ नहीं जाएगा, तो मैल न्यूट्रिशन होगा, इनसिक्योरिटी होगी, आप जो है भूखे रहेंगे, आपके बच्चे पूरी तरह से हेल्दी नहीं हो पाएंगे, तो ये सारी समस्याएं हैं। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। अब आपको अगर बैंक स्थापित करने हैं, आपको सभी लोगों को उस बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ना है, तो आपको पहले इसमें पैसे तो डालने पड़ेंगे। अगर मुझे कोई भी नई चीज़ शुरू करनी है तो मेरे पास पैसा होना चाहिए हाथ में, जिससे मैं उसके संबंधित सभी चीज़ों को डेवलप कर पाऊँ। तो ये जो आपको करना है इसके लिए आपको पैसा निकालना पड़ेगा, सरकार इतने पैसे इसमें फंड एलोकेट करती नहीं है, तो वहाँ पे एक समस्या है। उसके बाद अभी भी एक और समस्या हो सकती है, मान लीजिए ये गोला है जिसमें सबके पास पैसे जाने हैं, इसमें जो है कुछ लोग तो हैं जो इससे बाहर हो सकते हैं, तो मान लीजिए ये आदमी है, इसको जाना चाहिए था, ये गरीब है, लेकिन कुछ समस्याओं के चलते, कुछ जो टेक्निकल एरर्स के चलते ये इस गोले में इंक्लूड नहीं हो पाया, ये आपके खातों में नहीं जुड़ पाया, तो इस गरीब के पास पैसा जाना चाहिए था लेकिन नहीं जा पाएगा। इसी तरीके से समझ लीजिए एक आदमी है जो यहाँ पे बैठा है, जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी एरर के चलते वो इस गोले में इंक्लूड हो गया, तो उसके पास भी पैसा जाएगा। तो इस तरीके से जो अनवांटेड इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है, इसकी समस्या चलती रहेंगी। आपके पास एडिक्वेट डेटा नहीं है, हमने जो यहाँ पे बात की, तो इस वजह से आप इसको और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर मान लीजिए किसी तरीके से, किसी चीज़ के चलते आपके खाते में पैसे नहीं आते हैं, पेमेंट नहीं होता है, तो भाई मैं कहाँ जाऊँ, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कहाँ कराऊँ, ये कहीं है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं बैंक में जाऊँगा तो एक गरीब किसान को बैंक के फॉर्म भरना और ये सब कहाँ आएगा, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बहुत मुश्किल है। बीच में आपको एक आदमी बिठाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। अगर मेरे खाते में भाई पैसा नहीं आया तो मैं इसके पास जा पाऊँ, बैंक की सारी फॉर्मेलिटीज़ ये पूरी कर पाए और मेरे को पैसा दिलाए, लेकिन अभी अगर किसान को आप कहो कि जाओ सारी बैंक की फॉर्मेलिटी पूरी करो, तो वो कहाँ से करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और लोगों को भाई अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है लोगों में कि भाई ये मेरा अधिकार है। इस चीज़ की अगर जागरूकता नहीं है तो फिर आपके पास पैसा आ भी रहा होगा तो आपको पता ही नहीं कि मेरा पैसा है, तो आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको मीट करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कोई नया वहाँ पे बदलाव लाना है। मैंने कंक्लूड कर दिया इस नोट पे कि भाई अगर गवर्नमेंट का एम्बिशन देखूँ मैं कि भाई हमको डिजिटल कैश ट्रांसफ़र करना है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो इसमें बहुत दम है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, लेकिन चैलेंजेस तो हैं ही। आपको इन चैलेंज को पूरा
पूरा करना पड़ेगा, आपको इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर करना पड़ेगा, तभी आपका ये जो स्कीम है ये असल तौर पे इम्प्लीमेंट हो पाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का है। देखिए जो भारत में खाद्य उद्योग है इसके ऊपर सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं मार्केटिंग और सप्लाई चेन को बनाने में, अगर आपको इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, अगर आपको आपके खाद्य उद्योग को डेवलप कराना है तो। भाई अब ये होता क्या है, मार्केटिंग सप्लाई चेन क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। समझ लीजिए ये अपना है खेत, यहाँ पे जो किसान है वो कोई चीज़ उगा रहा है, समझ लीजिए आलू उगा रहा है, यहाँ पे अपने उग गए आलू। अब देखिए ये आलू इसने उगा लिए तो इसको कनेक्शन मिलना चाहिए किससे, मार्केट से, जिससे कि ये बेच सके। अगर इसके बहुत ज़्यादा स्टॉक में हो गए तो इसके पास वेयर हाउस की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए कि भाई ये आने वाले समय के लिए रख सके, ऐसे नहीं आलू बाहर पड़े पड़े तो सड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, तो इसको ये कनेक्ट होना चाहिए। अगर सामान मान लीजिए वेयर हाउस में पड़ा है तो वहाँ से वापस मार्केट तक का कनेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा हो सकता है इसको कुछ फूड प्रोसेस करवाना हो, मान लीजिए आलू के आपको चिप्स बनाने हैं तो आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक कनेक्ट होना चाहिए, फिर उससे मार्केट तक का लिंक होना चाहिए। तो ये जो पूरी चेन बन रही है आप देख रहे हैं, इसको बोलेंगे मार्केटिंग चेन, सप्लाई चेन, तो इसको डेवलप कराइए तो आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप होगी, ये सवाल कह रहा है। तो इन सब में क्या दिक्कतें हैं आपको ये देखना है, और क्या ई कॉमर्स, क्या फ्लिपकार्ट, अमेजोन ऐसी चीज़ें हैं, क्या ई कॉमर्स हेल्प कर सकता है इन दिक्कतों को पूरा करने में। कीवर्ड इसमें कोई है नहीं तो मैं इसको सीधे क्वेश्चन को तोड़ता हूँ। जब मैंने क्वेश्चन को बांटा तो ये तीन भागों में मेरे सामने उभर के आया। सबसे पहले बात हो रही है मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, जो मैंने यहाँ समझाया आपको। तो इसके संदर्भ में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी कि आपकी खाद्य उद्योग, इसमें क्या दिक्कतें हैं और क्या ई कॉमर्स यानी कि आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन ऐसी कुछ चीज़ें क्या इसको सॉल्व करने में मदद कर सकता है। अप्रोच इसमें मेरी रहेगी, सबसे पहले मैं बताऊंगा भाई ये फूड प्रोसेसिंग होती क्या है, क्या चीज़ है ये, उसके बाद क्या इसकी फायदे हैं, और फिर इस फायदे के बाद मैंने यहाँ पे पूरी तरह किससे डील किया, मैंने बताया फूड प्रोसेसिंग क्या चीज़ है, इसके फायदे क्या हैं। अब लेकिन ये डेवलप क्यों नहीं हो पा रही, इसके चैलेंजेस क्या हैं, और क्वेश्चन का आखिरी भाग, क्या इन चैलेंजेस को पूरा कर सकती है ई कॉमर्स इंडस्ट्री। तो ये आपको इस तरीके से बताना है, आपने अपने क्वेश्चन को पूरी तरह आंसर कर दिया। देख ली दो पॉइंट पूछे थे क्वेश्चन ने, मैंने दो पॉइंट एड्रेस किए, उसके अलावा मैंने शुरुआत की फूड प्रोसेसिंग से, क्योंकि मेरा जो पूरा सवाल है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो ये आपको करना है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले एक चीज़ पे हम ध्यान दे देते हैं। देखिए जो फूड प्रोसेसिंग इंडिया है, इंडस्ट्री है भारत में, उसमें टोटल 6 सेगमेंट्स हैं, जिसमें से देखिए पहला सेगमेंट होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, दूसरा होता है दूध का और दूध से बने प्रोडक्ट्स का, तीसरा होता है मीट और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का, चौथा होता है मरीन प्रोडक्ट्स का, पांचवा है ग्रेन की आपकी प्रोसेसिंग, जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रेन आपका है, गेहूं है, चावल है, ग्रेन की प्रोसेसिंग, और यहाँ पे छठा जो है वो है कंज्यूमर फूड। कंज्यूमर फूड में आपके आएंगे नमकीन, आपके आएंगे चिप्स, उसके बाद कोई भी नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं वो सब आपके इसके अंदर आएंगे। तो इस FPI में आपके 6 सेगमेंट्स होते हैं, तो ये आपके 6 सेगमेंट मैंने यहाँ मेंशन करे। क्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन कुछ कुछ हिस्सों में डेवलप्ड है, इस कुछ हिस्सों में बटी हुई है। अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल का काम कर रहे हैं तो आप इसमें जाएंगे, आपके पास दूध से संबंधित पदार्थ हैं अगर तो फिर आप इस वाली में जाएंगे, मीट वाला है, पोल्ट्री पदार्थ हैं तो इसमें जाएंगे, अगर आप एक्वा कल्चर कर रहे हैं, आप मछलियों को पाल रहे हैं और उनका अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप मरीन वाले में जाएंगे, उसके अलावा अगर आप ग्रेन्स उगा रहे हैं तो आप इधर जाएंगे, और फाइनली कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कंज्यूमर फूड बनता है उसको कर रहे हैं तो आप यहाँ जाएंगे। तो इस तरीके से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के 6 सेगमेंट्स होते हैं। अब आते हैं अपन आंसर पे। देखिए पहले मैंने डिफाइन कर दिया क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी रॉ मटेरियल जो है, भले ही वो एग्रीकल्चर से संबंधित हो या एनिमल हस्बेंड्री से हो, डेयरी से हो, मीट से हो, पोल्ट्री से हो या फिशिंग से हो, लेकिन क्या होता है उसको यहाँ पे किया जाता है प्रोसेस, उसको बेहतर बनाया जाता है, उसमें वैल्यू एडिशन की जाती है, और इसके तहत अब वो जो आपका फाइनली निकल के आया, मान लीजिए लेस का पैकेट निकल के आया है, चिप्स निकल के आए हैं इस आलू से, तो ये जो प्रोसेस है इसको फूड का प्रोसेसिंग कहते हैं। इसमें वैल्यू एडिशन हो गया, अब आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कमर्शियल वैल्यू हो गई, उसके दाम जुड़ गए उसके साथ,
और अब वो एनिमल और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी सूटेबल हो गई। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है ये हो गई फूड प्रोसेसिंग। इसमें वैल्यू एडिशन का भी स्कोप होता है, मैंने आपको बता दिया। देखिए वैल्यू एडिशन मतलब यहाँ से आलू है, यहाँ पे बन गया चिप्स यानी कि आपका लेज, तो ये वैल्यू ऐड हुई। पहले इसको काटा, छोटे हिस्सों में बांटा, उसके ऊपर नमक छिड़का, जीरा छिड़का, और आप समझ लीजिए कोई मसाले छिड़के, और फाइनली इसको तला। तलने के बाद आपके ये आए सामने आपके लेज। तो ये जो हुआ है ये वैल्यू एडिशन हुआ है। ये आपके पास कच्चा आलू नहीं है, ये आपके पास सिका हुआ आलू है, उसमें मसाले पड़े हुए हैं, ये सब है वैल्यू एडिशन। अब आते हैं एडवांटेजेस पे। देखिए एडवांटेज क्या है, आलू की यूटिलिटी बढ़ गई। आलू बन गया लेस का एक टुकड़ा, तो समझ लीजिए यूटिलिटी बन गई। उसके अलावा इसने एक लिंक एस्टैब्लिश कर दिया इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच में। किसान यहाँ पे अगर FPI में देगा प्रोडक्ट तो वो आगे मार्केट कर पाएगा। तो देख लीजिए मार्केट, इंडस्ट्री, किसान, सबके बीच में एक लिंक बन गया। किसान की इससे इनकम बढ़ गई। उसके अलावा भाई मैल न्यूट्रिशन की दिक्कतें या फिर आपका जो फूड था वेस्ट हो जाता था वो नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैंने कोई 100 आलू बनाए, मेरे 80 आलू तो मार्केट में बिक गए, मेरे पास 20 आलू बचे हैं, तो हो सकता है मैं 20 आलू यहाँ पे ले जाऊँ तो वो मुझसे ख़रीद लें और मुझे पैसे दे दें, मुझे उसके बदले पैसे भी मिल गए और मेरा सामान भी वेस्ट नहीं हुआ। तो इससे ये मैल न्यूट्रिशन की समस्याएँ घटाएगा, आपका फूड का वेस्टेज नहीं होने देगा। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। अगर कहीं भी फूड प्रोसेसिंग का सवाल आए तो ये वाला पॉइंट ज़रूर मेंशन करें। ये जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसमें खूब भरपूर मात्रा में आपको लेबर चाहिए। तो अगर आपका लेबर यहाँ पे है तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये रोज़गार देगा। और जो लोग अपने गांव से शहर की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं उनको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गांव में ही एस्टैब्लिश हो गई एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो आप यहीं पे या तो कर्मचारी के तौर पे भर्ती हो जाएं या फिर आप यहीं पे अपना सामान बेच दें, तो माइग्रेशन रोकेगा। भाई कोई भी चीज़ में अगर वैल्यू ऐड हो जाती है तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। समझ लीजिए अगर एक आलू है आपके पास तो आप उसको कितने दिन तक चला पाएंगे, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद वो सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर लेस का पैकेट है तो उस पर तो आप जानते ही हैं कि एक्सपायरी डेट 1-1 साल की होती है, तो 1 साल चलेगा, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई। उसके अलावा न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ गई। क्या अगर आप लेज़ को छोड़ें, कोई और अगर कोई हेल्दी प्रोडक्ट इससे मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वो हेल्दी प्रोडक्ट से क्या हुआ, अगर आपको जितना एक आलू खाने से फ़ायदा होता है इसमें कोई और चीज़ें जुड़ गई हैं वो आपको खाने से और ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई। कंज्यूमर की चॉइस बढ़ गई कि अब आलू नहीं लेना मेरे को, तो मेरे को तो चिप्स लेने हैं, मेरे को तो और कुछ लेना है उससे। तो ये सब चीज़ें आपके एडवांटेज के तौर पर आप देख सकते हैं। फिर भाई क्या दिक्कतें हैं लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने में, उससे संबंधित सप्लाई चेन को बढ़ाने में और मार्केटिंग को बढ़ाने में। सबसे पहले तो देखिए सबसे बड़ी समस्या है स्मॉल कंपनी की। छोटी छोटी कंपनियां जो होती हैं वो हाई एक्सपेंडिचर की वजह से कंपीट नहीं कर पाती बड़ी बड़ी MNCs से, तो उनको दबना पड़ता है या फिर ख़त्म हो जाती हैं। उसके अलावा पैकेजिंग की कॉस्ट बहुत होती है, इसमें आपको बहुत फाइनेंस चाहिए, ट्रांसपोर्ट तो इसमें भी चाहिए होगा, आपको अपने खेत से लेके जो है सामान ले जाना है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक, तो इसमें भी आपको ट्रांसपोर्ट की तो ज़रूरत होगी इस इंडस्ट्री तक ले जाने के लिए, तो पैसा तो यहाँ भी लगेगा। तो इस तरीके से जो है पैसे का यहाँ पे कमी है, फंड की कमी के चलते यहाँ पे एक समस्या उभर के आती है। फिर अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चरल कुछ समस्याएं हैं, कनेक्टिविटी ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, मार्केट की कमी है और प्राइस की इंफॉर्मेशन नहीं है। किसान को अगर कम दाम में भी वो चीज़ को बेचना पड़े तो उसको पता ही नहीं है एक्चुअल क्या दाम होने चाहिए, तो इस वजह से असली उसको दाम नहीं मिल पाते। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की कमी है, ये FPI से कनेक्टेड नहीं है फार्मर्स। उसके अलावा ये जो है मार्केट से कम कनेक्टेड है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है फार्मर के पास, तो सामान उसके पास रखे रखे ख़राब हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल जो स्टोरेज है वो समस्याएं हैं, हमने बात की है वेयर हाउस की। सॉर्टिंग ग्रेडिंग की समस्याएं हैं, कौन से ख़राब आलू हैं, कौन से अच्छे आलू हैं, इसको नहीं सॉर्ट आउट कर पाता वो। हार्वेस्ट के बाद की समस्याएं बहुत हैं, आपने काट तो लिया आलू की फसल, आपके पास एक बोरी में भर के रखे हैं आलू, लेकिन इसको आगे क्या करें, अगर आप अभी FPI तक नहीं जा पा रहे तो आने वाले 10 से 15 दिन में ख़राब हो जाएंगे, आपके तो पूरे इतने समय की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे। इस तरीके की जो समस्याएं हैं ये लिंकेज को स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, वरना समस्या में ही रहेगी ये वाला जो पूरा सेक्टर है। कुछ टेक्नोलॉजिकली समस्याएं हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी की कमी होना, इन्वेस्टमेंट जो रिसर्च और डेवलपमेंट में है वो कम है, उसके अलावा मार्केटिंग नहीं होती, सर्वेज नहीं होते अच्छे से,
कि भाई कहाँ पे अच्छी चीज़ उगती है, कहाँ पे वो लैंड सूटेबल है। कई बार क्या होता है, पैसे के चक्कर में किसान उस ज़मीन पे वो चीज़ उगा देता है जो वहाँ के लिए सूटेबल नहीं है। मान लीजिए इस पे उगना चाहिए था गेहूँ, आपने उगा दिया यहाँ पे राइस, तो यहाँ राइस उगता है पानी में, आपने पूरे एरिया को वाटर लॉक कर दिया। इससे क्या होगा, आने वाले समय में यहाँ पे नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो आपका सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब सर्वेज होने चाहिए, मार्केटिंग रिसर्च होना चाहिए कि मार्केट में अभी किस चीज़ की डिमांड है। ये सब चीज़ों की कमी है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम है। अब आप ये देखें कि अगर इस इंडस्ट्री को डिमांड है 100 आलुओं की और भाई उगे ही हैं टोटल 110 आलू, तो फिर तो आप ये देखिए कि जो डिमांड है वो तो उतनी ही है, लेकिन सप्लाई उसको मैच नहीं कर पा रही। क्योंकि सप्लाई इसको मैच नहीं कर पा रही, इसी वजह से आपके दाम बढ़ेंगे। तो रॉ मटेरियल की अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो उसमें और ज़्यादा जब वैल्यू ऐड होगी तो कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो फाइनल जो कंज्यूमर है, आप और हमको, ये चीज़ बहुत महंगी पड़ेगी। तो इसलिए अल्टीमेट जो है ये प्रॉब्लम है। उसके अलावा बहुत जो है बीच के जो मिडिल मैन बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से बीच में और इधर उधर के खर्चे हो जाते हैं। एपीएमसी एक्ट जो हैं वो भी आउटडेटेड हैं, पुराने हैं, अनसपोर्टिव हैं। हम लोगों ने अपने पिछले पूरे एक वीडियो में ये डिस्कस किया है, एपीएमसी एक्ट क्या है, एपीएमसी क्या होते हैं, मंडीज़ क्या होती हैं। तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखें, आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड रिटेल नहीं है, कहाँ बेचें, बेचने की कोई जगह ही नहीं है, तो ये समस्या है। उसके अलावा एक्सेसिबिलिटी की समस्या है कि भाई अगर आपको अपने खेत में आलू उगाने हैं तो आपको उसके लिए भी कुछ पैसे चाहिए, पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है हर एक दूर दराज के कोनों में। तो इस वजह से इस वाली जगह पे भी आप थोड़ा पीछे रह जाते हैं। ये हैं उससे संबंधित कुछ समस्याएं। तो मैं बात करूं कि भाई अब ई कॉमर्स किस तरह इसमें हेल्प करेगा, तो ई कॉमर्स क्या है, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया सबसे आसान समझने के लिए, आपका फ्लिपकार्ट या फिर आपका अमेज़ॉन, ये है ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो भी चीज़ प्रोपोगेट करती है उसको हम कहेंगे ई कॉमर्स। अब देखिए क्या करेगा, ये हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप जो नॉन पेरिशेबल सेगमेंट्स हैं वो आप इस पे चढ़ा सकते हैं और इस पे आसानी से ये आगे बिक जाएगा। समझ लीजिए किसान ने मान लीजिए यहाँ पे चढ़ा दिया तो आगे बिक जाएगा, या फिर किसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पास डायरेक्ट इसका ऑप्शन अवेलेबल है, वो यहाँ पे चढ़ाएगा, लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा। आपको ये बात तो मालूम है कि अगर मान लीजिए मैंने एक दुकान में कुछ कपड़े बेचने का सामान कर रखा है, वहाँ पर मैं ये बिजनेस चला रहा हूँ, तो मेरा वो धंधा कम चलेगा एज़ कम्पेयर टू जब मैंने फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर डाल रखा है। क्योंकि ये पूरी दुनिया के पास एक्सेसिबल है, कोई भी आदमी, अगर आज मैं बैठा हूँ कानपुर में और मैंने वहाँ पे एक दुकान खोल रखी है तो सिर्फ कानपुर के लोग ही मुझसे जुड़े होंगे, लेकिन अगर मैंने फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर चढ़ा रखा है तो हो सकता है तमिलनाडु या चेन्नई से भी मेरे पास ऑर्डर्स आएँ। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं बिक जाएगा, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद खुद का प्रोडक्ट बेचने में आसानी हो जाती है, एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, रीच बढ़ाएगा आपकी, विजिबिलिटी बढ़ाएगा, ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को देख पाएंगे। जो एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड लिंकेज की समस्या थी वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, यहाँ पे आपको ज़्यादा मार्केट्स मिल पाएंगे। देख लीजिए जैसे अपन ने बात की कि हमको उत्तर प्रदेश के अलावा तमिलनाडु के, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के सबके मार्केट्स एक्सेसिबल हो गए, तो यहाँ पे भी आपको डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों मिल पाएंगे। अगर ई कॉमर्स की बात करें तो ये और भी तरीके से हेल्प कर सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प। डायरेक्ट हेल्प में क्या है, ये स्टार्टअप क्रिएट करवा सकता है फूड प्रोसेसिंग सर्विसेज के लिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म मिल गया बेचने के लिए, मार्केट मिल गया, तो ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आएंगे। अगर मैं इनडायरेक्ट हेल्प की बात करूँ तो यहाँ पर क्या, डिमांड बढ़ेगी, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी कि भाई प्रोसेस्ड फूड भी अच्छी चीज़ है, इसको लिया जाए। तो यहाँ पे अगर इस लिंकेज में अपन, आप मान लीजिए लिंकेज में ये वाली इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो फिर ये फार्मर से ज़्यादा चीज़ें मांगेगी, ज़्यादा आलू मांगेगी, डिमांड बढ़ेगी, फार्मर के पास पैसा बढ़ेगा, उसकी इनकम बढ़ेगी। तो इस तरीके से ई कॉमर्स बहुत आपकी हेल्प कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो है आपकी रीच बढ़ा देगा, आप अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, अब आप पूरे भारत में अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी हेल्प कर सकता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है गोल्ड के बारे में, सोने के बारे में। जो भारत है उसमें गोल्ड का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है भाई, लोग क्या बहुत ज़्यादा गोल्ड की डिमांड कर रहे हैं। अब डिमांड मीट करने के लिए भारत में इतनी सप्लाई है नहीं, तो क्या बढ़ रहा है, आपका इम्पोर्ट बढ़ रहा है, आप विदेश से गोल्ड मंगा रहे हैं, वो इस नाव में लद के आपके पास आ रहा है, फिर उसके बाद भारत की इंडस्ट्री, भारत के जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें बिक रहा है। पर इससे समस्या ये है कि अपना इम्पोर्ट बढ़ रहा है
और आपका अगर देश का इम्पोर्ट बढ़ेगा, मतलब आपके पास सामान ज़्यादा आ रहा है, उसके बदले में आप रुपए ज़्यादा खर्च कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू आपका सामान बाहर बिक रहा है, तो आपके जो है करंट अकाउंट डिफिसिट होगा, उसके अलावा आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आएंगे। तो ये सब समस्याएं हैं आपके बढ़ते हुए इम्पोर्ट के कारण। तो यहाँ पे है कि भारत में जो है लोगों का नशा, जो क्रेज़ है वो बढ़ रहा है इन रिस्पेक्ट टू ये जो गोल्ड है। तो भाई इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ रहे हैं, इससे आपके रुपये पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो इसी सब के चलते आपको एग्जामिन करने हैं क्या बेनिफिट होंगे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के। देखिए ये उस समय का करंट अफेयर्स था, इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया। हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे उस चर्चा से आपको सभी पॉइंट क्लियर हो जाएं, फिर आप इस टॉपिक पे एक अच्छे से अपना क्वेश्चन लिखें स्ट्रक्चराइज करके, और फिर देखें कैसे आप मैच कर पा रहे हैं। तो देखिए इसमें जो कीवर्ड है वो है एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब है आपको बहुत तह तक जाना है उस चीज़ की, और तह तक जाके उसको आपको समझना है, इसके संदर्भ में इससे रिलेटेड जो भी की फैक्ट्स हैं उसको समझें, अच्छे से इवैल्यूएट करें इस चीज़ को, और फिर गहराई से इसको समझ के फिर इस पे अपने आंसर्स से अपनी प्रतिक्रिया को प्रकट करें। अल्टीमेटली जब क्वेश्चन को मैं तोड़ता हूँ, दो भागों में मेरे सामने आता है। सबसे पहले तो देखिए जो गोल्ड का नशा है, जो क्रेज़ है वो बढ़ता जा रहा है भारतीयों में, इससे क्या हो रहा है गोल्ड के इम्पोर्ट बढ़ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस पर समस्या हो रही है, दबाव पड़ रहा है, उसके अलावा आपका जो रुपया है वो कमज़ोर हो रहा है। तो क्या मेरिट्स हैं अगर आप गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लाएं, क्या फ़ायदे हैं उससे, अप्रोच इसकी रहेगी। सबसे पहले तो मैं अभी बताऊं कि भाई सही में, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि भाई गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ रहा है, उसका क्रेज़ बढ़ रहा है, तो आप ट्रेंड बताएं कि भाई सच में भारत में किस तरीके से जो रुपया है कमज़ोर हो रहा है, गोल्ड जो है उसकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड आपकी बढ़ेगी तो डिमांड कहाँ से मीट होगी, ये आपकी मीट होगी इम्पोर्ट से, विदेश से आप इम्पोर्ट करेंगे तब आप यहाँ पर अपनी डिमांड को मीट कर पाएंगे। उसके अलावा इससे क्या समस्याएं हैं, फिर उसके बाद अब आ जाएं आप स्कीम पे, ये आपकी मेन बॉडी का पार्ट है, यहाँ पे हम पूरी चीज़ जो है स्कीम के आसपास ही रोटेट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे स्कीम के क्या मेन मेन फीचर्स हैं, क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो सकते हैं, फाइनली एक सकारात्मक एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे हम अपने आंसर को एंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला है कि इंडिया जो है हाल ही में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टर बन गया है गोल्ड का, सबसे बड़ा इम्पोर्टर बन गया है, और अगर इस तरीके की चीज़ें चलती रहीं तो हमारे लिए चिंताजनक हो जाएगी स्थिति। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टेबलाइज्ड हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, और उसके अलावा हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले बहुत कमज़ोर होता चला जाएगा, क्योंकि आप रुपया बाहर भेज रहे हैं और प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं तो रुपये की कीमत गिरती चली जाएगी, वो कमज़ोर होता चला जाएगा। इससे क्या होगा आगे जाके इन्फ्लेशन आ जाएगा, आपको जो चीज़ें पहले 50 में मिलती थी अब वो 100 रुपये में मिलेंगी, बहुत सारी इससे और भी इसके आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे सिनेरियो को टैकल करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कोई स्कीम लानी पड़ेगी। तो उसी को मद्देनज़र रख के सरकार लाई है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इससे क्या होगा, जो आपके घर में फालतू सोना पड़ा है, अनप्रोडक्टिव सोना पड़ा है, आप उसको सरकार को दें, उस सोने को सरकार एक बैंक में जमा करेगी, और उस बैंक में अगर आपका जब तक सोना पड़ा रहेगा उसके बदले आपको कुछ इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो अगर 100 रुपये का सोना है उसमें आपने 10% इंटरेस्ट रेट कमाया तो आपके तो 110 रुपये हो गए। तो ये मतलब मोटे मोटे तौर पे ये सरकार की स्कीम थी। इसके अब फीचर्स देखते हैं। देखिए हर इंडिविजुअल क्या है, एक अपना गोल्ड का सेविंग अकाउंट खोल सकता है कुछ बैंक में, और कोई भी अपने घर में पड़ा हुआ सोना यहाँ पर डिपॉजिट कर सकता है BIS सर्टिफाइड कलेक्शन से, जहाँ पहले आपके जो है प्योरिटी सेंटर्स हैं वहाँ पे सोने की शुद्धता को टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे सोना जमा कर लिया जाएगा। मिनिमम अमाउंट जो है आप सोना कितना जमा कर सकते हैं वो है 30 ग्राम, अपर लिमिट कुछ नहीं है, आप कितना भी 300 किलो भी जमा करें। उसके अलावा गोल्ड जो है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है जो आप जमा करेंगे। सबसे पहले आप छोटे टर्म के लिए जमा कर सकते हैं 1 से 3 साल, फिर है मीडियम टर्म 5 से 7 साल, और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म 12 से 15 साल। इस 3 हिस्सों में आप अपने सोने को जमा कर सकते हैं, जैसे आपके FD होते हैं, RD होते हैं, DD होते हैं, उस तरीके से यहाँ पे ये आपको सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे क्या होगा, जो सोना है वो आपके घर में पड़ा पड़ा अनप्रोडक्टिव यूज़ में नहीं आएगा, इकोनॉमी में चला जाएगा, सर्कुलेशन में आ जाएगा, भारत के इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे, उससे ही भारत अपनी डिमांड्स मीट कर पाएगा। ये सब इसके एम थे।
तो जो गोल्ड जो कलेक्ट हुआ है ये उसके बाद क्या रिफाइनरीज में भेजा जाएगा, जिनके साथ बैंकों के अपने एग्रीमेंट होते हैं। देखिए आप हैं, आपने जमा कराया गोल्ड बैंक में, वो प्योरिटी सेंटर के थ्रू होके आया, उसके बाद बैंक वालों ने क्या है रिफाइनरी वालों से संपर्क कर रखा है, इनके एग्रीमेंट है आपस में, तो फिर ये जाएगा यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पे इसका जो भी हो पिघला के इसको किसी और फॉर्म में बनाया जाए या कुछ होगा, फिर उसके बाद मान लीजिए मेचोरिटी हो गई तो फिर क्या होगा, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट करते हैं मतलब 1 से 3 साल, तो आप या तो इसको कैश में वापस लें या फिर गोल्ड डिपॉजिट्स में वापस मिल जाएगा आपको। लेकिन आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिट किया है तो आपको वापस कैश में ही मिलेगा। तो देखिए मैंने लिया आपसे सोना, उसके दाम तोले, उसके दाम के हिसाब से मार्केट रेट के हिसाब से आपको उसके कंपैरिजन में रुपए दे दिए, आपके पास आ गए रुपए, सरकार के पास आ गए सोना, ये सोने से वो किसी तरीके से पिघला के ज्वेलर्स में बेच देंगे, जो वो ज्वेलर्स आगे लोगों में बेचेंगे तो अल्टीमेटली इम्पोर्ट कम होगा क्योंकि हमारे डोमेस्टिक जो है गोल्ड का स्टॉक बढ़ रहा है। तो ये सरकार का मेन एम था। जो इसमें इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा वो था 2.25% से करीब 2.5% तक। अब इससे क्या फ़ायदे होंगे, देखिए जो आपके घर में अनप्रोडक्टिव गोल्ड पड़ा है वो इस्तेमाल में आ जाएगा, जो ज्वेलर्स हैं जो इम्पोर्टर्स से लेते हैं और या ट्रेडिंग हाउसेस से लेते हैं उनको वहाँ नहीं, अब उनको डायरेक्टली बैंक जाके मिल जाएगा या सरकार से मिल जाएगा। गोल्ड है उसको रॉ मटेरियल की तरह ट्रीट किया गया है ज्वेलरी सेक्टर के लिए, तो अगर रॉ मटेरियल हमको बाहर से ना मंगाना पड़े, हमारे देश में ही मौजूद हो, तो इससे क्या होगा, फ़ायदा ये होगा हमारे इम्पोर्ट कम होंगे, जो लोग इस पे मोनोपोली एस्टैब्लिश करते थे वो मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, ज़्यादा जगह वो चीज़ अवेलेबल हो गई। ये क्या है जो सोने के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं दिन ब दिन, उसको स्टेबल करेगा, उसको अच्छा करेगा, नीचे लाएगा। इस तरीके से आपने पूरी स्कीम डिस्कस की, उसके क्या फ़ायदे हैं डिस्कस किए, फीचर्स डिस्कस किए, और आपका एक कंप्लीट आंसर तैयार हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया प्रोग्राम की तरफ और स्किल इंडिया की तरफ। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, अगर आपको मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सफल बनाना है तो ज़रूरी है स्किल इंडिया पे फोकस करें, और आप जो लेबर रिफॉर्म्स हैं बहुत बेहतरीन लेबर रिफॉर्म्स को लाएं, तभी संभव है कि आपका मेक इन इंडिया सफल हो पाएगा। इस चीज़ को आप डिस्कस करिए अपने आर्ग्यूमेंट्स देके। तो भाई इसमें डिस्कस है कीवर्ड, डिस्कस में आपको क्या करना पड़ता है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे डिस्कस है, डिस्कस में आपको विस्तार से बात करनी है, लेकिन आपको स्पेसिफिक बात करनी है, आपको सटीक रहना है, और आपको अपने आर्ग्यूमेंट को मजबूती प्रदान करने के लिए उदाहरण देने हैं यहाँ पे। तो ये आपको इस क्वेश्चन के साथ करना है। अगर हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे इसको तो देखिए क्या होता है, क्वेश्चन घूम रहा है सफलता के इर्द गिर्द मेक इन इंडिया प्रोग्राम की। तो सफलता कब हासिल होगी, जब आप स्किल इंडिया को मजबूती देंगे, जब आप लेबर रिफॉर्म्स को मजबूती देंगे, तो इन्हीं चीज़ों पे आपको आर्ग्यूमेंट्स अपने देने हैं। तो आइए इसकी अप्रोच पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताना है आपको मेक इन इंडिया है क्या, क्योंकि हमारा पूरा जो सवाल है पूरा डिस्कशन इसी के चारों तरफ घूम रहा है। तो आप ज़रूरी है पहले बताएं मेक इन इंडिया क्या चीज़ है, क्या स्कीम है, फिर आप क्वेश्चन के अनुसार करें क्या, इसकी जो है दिक्कतें बताएं, क्या समस्याएं हैं, उससे होगा ये, पहले आपने समस्याएं बताई, और समस्याओं में भी दो चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें, एक तो अनस्किल्ड लेबर, वो इसीलिए क्योंकि आपको यहाँ पे स्किल इंडिया प्रोग्राम को जोड़ना है। स्किल इंडिया का क्या मकसद है कि वो स्किल्ड लेबर फोर्स प्रोड्यूस कर पाए। तो ऐसे बताइए कि भाई मेक इन इंडिया अपने जो है एम्बिशंस हैं उन पे पूरा नहीं कर पाएगा, उनको उन पे सफल नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास लेबर जो है स्किल्ड नहीं है। इसको बाद में आप जोड़ेंगे स्किल इंडिया से। दूसरी बात, आप यहाँ पे एक समस्या की बात करें कि लेबर लॉज पुअर हैं, इसको आप जोड़ेंगे जो सवाल का दूसरा भाग है रेडिकल लेबर लॉज से। होगा ये कि क्वेश्चन में आपको यही दो पहलुओं को जोड़ना है कि मेक इन इंडिया कैसे सफल हो पाएगा जब ये दोनों स्कीम चलें। तो मैंने बता दिया भाई मेक इन इंडिया में ये दिक्कतें हैं, मेनली ये दो दिक्कतें हैं जिस पे मैंने बात की, और इस दिक्कत को पूरी करने के लिए ये स्कीम है, इस दिक्कत को पूरी करने के लिए ये चीज़ है। तो इस तरीके से आप इनको डील करें, फिर आप स्किल इंडिया से बात करें और लेबर लॉज पे बात करें और इनकी सिग्निफिकेंस बताएं, और ऐसे आपने पूरा क्वेश्चन अच्छे से आंसर किया। इसके बाद अपने स्टैंड को और मजबूती दें, जो भी आपने शुरू में कहा है कि हाँ भाई मेक इन इंडिया को सक्सेस दिलाने के लिए ये दी गई दो स्कीम्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, इस बात को यहाँ पे और मजबूती दें।
देखिए, अब मैंने इंट्रोडक्शन में क्या किया है, पहले मैंने बताया मेक इन इंडिया के बारे में। वो करता क्या है, वो ये करता है, वो मोटिवेट करता है मल्टीनेशनल्स को, डोमेस्टिक को, कि भाई वो आएं और भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग करें, यहाँ पे उत्पादन करें, जिससे कि भारत का जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े। वो एक हैवीली लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, अगर भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो भारत में जो है नौकरियाँ जनरेट होगी, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये सब इसके फायदे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ये चाह रहा है कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए, यहाँ पे हब हो, बाहर से इंडस्ट्रीज आएं और हमारे भारत में उसका निर्माण करें, उसका उत्पादन करें। होगा क्या, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। लेकिन भाई कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं ये मैंने दिखाया बॉडी में। सबसे पहले स्किल्ड लेबर की दिक्कत है। जो स्किल्ड लेबर जो है वो करीब, देखिए कुछ मैंने देशों से कंपेयर किया है, जैसे कि कोरिया, जापान और जर्मनी। कोरिया में 96% लेबर स्किल्ड है, जापान में 80%, जर्मनी में 75%, और भारत में वही चीज़ बहुत ज़्यादा नीचे है। इवन 50% भी हमारे जो है पॉपुलेशन स्किल्ड नहीं है। तो देखिए कितना फ़र्क है। तो ज़रूरी है स्किल को बढ़ाना, तभी है भाई आप यहाँ पे अगर किसी चीज़ का निर्माण करेंगे, अगर आपके पास स्किल्ड लेबर होगा तो वो चीज़ और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी, बाहर से और ज़्यादा जो है इंडस्ट्रीज आएंगी और भारत में जा आके अपना हब बनाएंगी, अपना बेस बनाएंगी, और वहाँ पे वो जनरेट करेंगी एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपका पूरा इसका एक जो आइडिया है वो सफल हो पाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है स्किल्ड लेबर। ये क्यों है, क्योंकि भाई करिकुलम ही सही नहीं है। हमारे जो हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ के आते हैं वो आजकल बस प्रॉफिट ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं। उसमें आपको स्किल नहीं सिखाई जा रही, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा, नए कोर्सेज इंक्लूड नहीं हो रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री के बीच में लिंक स्थापित नहीं है। वरना अगर लिंक स्थापित होता तो फिर ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है ये आपको उसी तरीके की चीज़ें सिखाती जो आपके यहाँ पे इंडस्ट्री में काम आने वाली हो। फिर उसके बाद अगली समस्या है, जो लेबर लॉज हैं वो हमारे अंग्रेजों के समय से चल रहे हैं भाई, हमने उसको कुछ अपडेट नहीं किया। आज के युग में वो लेबर लॉज बहुत पुराने हैं और बहुत सख्त हैं, उनको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, उनको आज के युग से मिलाना, उनसे मैच कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर लॉज, दूसरी बात, मल्टीपल हैं, 1, 2, 3, 4, ये सब लेबर लॉज हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, तो इंडस्ट्री डरती हैं कि भाई कैसे हम लोग फंस ना जाएं, तो इसलिए वो लोग आ नहीं रही हैं भारत में। तो आपको ये रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सरकार ने इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कोई स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है स्किल इंडिया स्कीम। स्किल इंडिया का क्या है, स्किल इंडिया का एम है कि भारत की जो वर्क फोर्स है उसमें आप क्या इनकॉर्पोरेट करें, आप स्किल्स इनकॉर्पोरेट करेंगे। जब ये स्किल्स उसमें आ जाएंगी तो ये अल्टीमेटली यहाँ की जो ये समस्या है इसको डील करेगा, और मेक इन इंडिया का जो एक एम है उसको पूरी तरह ये साकार कर पाएगा। फिर इसके दूसरे फैक्टर पे अगर अपन बात करें तो आप इसमें लिख सकते हैं कि भाई जो हमारे लेबर लॉज हैं उनको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। रेडिकल लेबर लॉज पे अगर आप चर्चा करेंगे तो आपका इस तरीके से ये वाला कंप्लीट होगा। ये उस समय के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, अभी के टाइम में मेरे हिसाब से इसका रेलेवेंस कम है। तो इस चीज़ को इसीलिए मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया आपके साथ। एक बार आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि किस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, और ये आप ये वाली चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि समस्याएं बताएं मेक इन इंडिया की। समस्याओं में दो समस्या पे ज़्यादा जिक्र करें कि भाई स्किल फोर्स नहीं है और लेबर लॉज जो हैं वो ख़राब हैं, और फिर इसी के चलते हमने स्किल इंडिया लाया और इसी के चलते हमने लेबर लॉज को रिलैक्स किया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सोलर एनर्जी से संबंधित। कह रहा है आने कुछ समय से देखा ये जा रहा है कि सोलर के जो भी इक्विपमेंट हैं उनके दाम गिरते चले जा रहे हैं। तो वो बोल रहा है ये जो दाम गिर रहे हैं ये क्यों गिर रहे हैं, क्या फैक्टर्स हैं, और उसके बाद इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे थर्मल पावर प्रोड्यूसर्स पे और उसी संबंधित और इंडस्ट्रीज़ पे। तो इस बारे में आपको चर्चा करनी है। यहाँ पे आपका कोई कीवर्ड नहीं है, बस क्वेश्चन को हम तोड़ लेते हैं। देखिए काफ़ी समय से दाम गिर रहे हैं किसके, सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट्स के, तो उसमें क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और क्या इम्प्लीकेशन है, लेकिन वो भी किस पे, उसने स्पेसिफिकली पूछा है आपसे थर्मल पावर प्रोड्यूसर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा और उससे संबंधित इंडस्ट्री पे। अप्रोच आपकी रहेगी, अभी सोलर से अगर अपन बात करें तो भारत का क्या सिनेरियो है, क्या दशा है, क्यों दाम गिर रहे हैं जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है, और क्या इम्प्लीकेशन पड़ेंगे सोलर थर्मल पावर सेक्टर पे, ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। फाइनली कंक्लूड करें आप जजमेंट देते हुए। तो
तो देखिए मैंने शुरू किया है कि भाई भारत है 5वीं रैंक होल्ड करता है पूरे देश विदेश को मिला लें ग्लोबली, किसमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ सोलर में हमारे पास इतनी सोलर की कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है कि वो 5वीं रैंक होल्ड करता है पूरे दुनिया भर में। और ये कहाँ से लिया है मैंने, MNRE का डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का डेटा है ये। उसके बाद भारत का एक टारगेट फिक्स है कि भाई हम 100 GW इलेक्ट्रिक जो है एनर्जी जनरेट करेंगे, किससे, सोलर से, और कब तक, 2022 तक। लेकिन अभी जो सिनेरियो है ये कुछ और ही चल रहा है, इसमें जो है सोलर इक्विपमेंट के दाम गिरते जा रहे हैं। दूसरी बात, भारत को एक और ज़रूरी चीज़ है जो देखनी है, उसको अपने कार्बन फुटप्रिंट को ख़त्म करना है, वरना हम लोग एनर्जी कहाँ से लेते हैं, हम लोग कोयले को जला के एनर्जी लेते हैं, पेट्रोल डीजल इनको जला के लेते हैं, इससे जो है बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है, इससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हमको ये अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है इसको कम करने की ज़रूरत है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री हैं, अगर आप बहुत ड्रास्टिकली अपनी एनर्जी नीड्स को कम कर देंगे तो आप डेवलप कैसे हो पाएंगे, आपके डेवलपमेंट में बाधा आएगी। इसीलिए इस सब का इलाज है सोलर। सोलर को आप ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दीजिए, इससे आपके बहुत आगे भी फायदे होंगे। भाई जो अब मेन बात है कि जो सोलर इक्विपमेंट्स हैं इनके दाम गिरे क्यों, क्यों इनकी कॉस्ट में कमी आई, तो देखिए इसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। सबसे पहले तो जो हमारा रेट ऑफ एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट है, हमारी एफिशिएंसी जो इम्प्रूव होती जा रही है वो इतनी बेहतर हो रही है कि आजकल जो यूनिट कॉस्ट आ गई है प्रोडक्शन की वो कम हो गई है। जितने आपके इम्प्रूवमेंट होगी, फॉर एग्जांपल 6 चीज़ें हैं वो अच्छी एफिशिएंसी दे रहे हैं, तो एक की यूनिट प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो इस वजह से कम हो रही है। उसके बाद टेक्नोलॉजी एक्सेस बढ़ रहा है, तो पहले जो सब चीज़ें लगती थी अब वो उतना नहीं लग रहा बनाने में, तो अपने आप कम हो गया। आजकल रोबोटिक सिलिकॉन वेफर्स प्रयोग में लिए जा रहे हैं, उसकी वजह से भी दाम कम हो रहे हैं। भारत में लेबर की कॉस्ट भी कम है, अगर बाहर से आप इंपोर्ट करेंगे वही चीज़ महंगी आएगी, भारत में जो आपकी लेबर की कॉस्ट है वो कम है, इसके चलते आपकी ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो जाती है। उसके बाद जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर स्पेंडिंग बढ़ गई है, तो इससे क्या हुआ है, आपके रिसर्च डेवलपमेंट के बाद ऐसी तकनीक सामने आ गई हैं जो पहले आपको बहुत मुश्किल हो रहा था बनाने में, लेकिन अब वही चीज़ आप आसानी से बना पा रहे हैं। तो इसी बढ़ती रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चलते दाम जो है कम आ गए हैं, क्योंकि अच्छी रिसर्च हो रही है, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, तो उससे दाम कम हो रहे हैं। पहले जितनी मेहनत, जितनी चीज़ें, जितने साधन लगते थे उतने अब नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसने दाम कम कर दिए हैं। फिर उसके बाद सरकार इसमें बहुत सारी सब्सिडीज दे रही है, सरकार ने टैक्स फ्री बॉन्ड्स जारी किए हैं यहाँ पे, जो अपने आप फिर से दाम कम कर देता है। तो इसीलिए एक डिक्लाइन देखा गया है सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट में, भले ही वो सोलर पैनल हो या कोई और इक्विपमेंट हो, उनमें थोड़ा सा प्राइस में कमी आई है। आगे आप देखें कि भाई क्वेश्चन का दूसरा भाग, थर्मल पावर प्रोड्यूसर्स पे और उससे संबंधित इंडस्ट्रीज पे इसका क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो क्या डिमांड कम हो गई है कोल और गैस की, क्यों, क्योंकि उनको रिप्लेस किसने कर लिया है, सोलर एनर्जी ने। सोलर की जैसे ही सप्लाई बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इनकी डिमांड अपने आप कम हो गई है, डिमांड की वजह से प्राइस भी कम हो गए हैं। देखिए किसी भी चीज़ की अगर डिमांड कम होगी तो उसके दाम कम होंगे, क्योंकि उसकी सप्लाई तो भरी पड़ी है। हमारे पास टमाटर हैं, टमाटर मेरे पास 10 हैं, मांगने वाले सिर्फ 2 लोग ही हैं, तो मैं टमाटर को जैसे तैसे करके निकाल दूंगा, भाई तुम 10 की जगह 5 रुपये दो लेकिन ले जाओ, तो दाम तो कम होंगे ही होंगे। इसी वजह से क्या है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो चीप हो जाएगी, वो आसान हो जाएगी। और इसके चलते एक और फ़ायदा होगा, जो भी लोग कोल और इनका कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, ये कम्पीट करने की कोशिश करेगी सोलर सेक्टर के साथ, तो उससे भी अपने दाम को कम करेगी, लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा वो तो है ही, क्योंकि भाई इसकी जगह लेता जा रहा है कौन, सोलर वाला सेक्टर। तो पहले एक समय जो आपका ये थर्मल पावर प्लांट, जो इनके प्रोड्यूसर जो आपके प्रोड्यूस कर रहे थे एनर्जी, मान लीजिए कोल से, वो अब नहीं कर रहे हैं, वो अब सोलर से प्रोड्यूस होगी, इसीलिए इसके दाम कम होंगे, इसको घाटा होगा, नुकसान में रहेगा। अगर इसको प्रॉफिट गेन करना है तो इसको नई तरीके निकालने पड़ेंगे, जिससे ये कम एमिशन में ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सके लोगों को, तो ये चीज़ इसको देखनी पड़ेगी, यानी कि उसको बेहतर बनना पड़ेगा। तो ये इम्प्लीकेशन होंगे थर्मल पावर प्रोड्यूसर पे और उसी से संबंधित इंडस्ट्री पे, क्योंकि ये लोग कोयले का और ऑयल का बहुत इस्तेमाल करते हैं। दिस हाउएवर क्या करेगा, सबके लिए एक विन विन सिचुएशन लाएगा। हमारे लिए विन विन क्यों है, हमारे लिए दोनों तरफ से सस्ते हुए हैं दाम, सोलर एनर्जी ज़्यादा बढ़ रही है तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी ये
जो सिनेरियो है वो बढ़िया है। उसके अलावा अगर थर्मल पावर प्रोड्यूसर की बात करें तो उनको कोशिश करनी पड़ेगी और बेहतर करने की, तो अल्टीमेटली उनको भी फ़ायदा ही होगा। सबके लिए ये बढ़िया चीज़ है और ये देश में इम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएगी, रोज़गार बढ़ाएगी। क्यों? सोलर की और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, उनमें काम करने के लिए लेबर तो चाहिए होगा, तो लेबर कहाँ से आएगा? वो अपने देश में जो चीप लेबर है वो वहाँ से लेंगे, तो इस तरीके से रोज़गार भी बढ़ेगा। तो आपने देखे, सबके लिए ये विन विन सिचुएशन ही रहेगी। अब भाई, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का। क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, आपके किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी है SEZ जो है हमारे वो बढ़े। अब अगर आप SEZ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उसमें कुछ समस्याएं हैं, आपको उन्हीं समस्याओं पर चर्चा करनी है। समस्याएं इसने कुछ भाग दे दिए जिस पे आपको बात करें। सबसे पहले टैक्सेशन की समस्याओं पे बात करिए, गवर्निंग जो लॉज हैं उन पे बात करिए, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव समस्याएं हैं उन पे बात करिए। तो क्वेश्चन ने आपको ऑलरेडी तीन एंगल्स दे दिए, आपको इन तीन एंगल्स को लेके इनके अंदर ही अपना कंटेंट भरना है। इसमें जो कीवर्ड है वो डिस्कस है, इसका मतलब क्या है, आपको बहुत विस्तार से बात करनी है लेकिन सटीक बात करनी है, अपने पॉइंट से भटकना नहीं है। क्वेश्चन को अपन तोड़ते हैं। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन घूम रहा है SEZ के खिलाफ, मतलब SEZ के सक्सेस के लिए घूम रहा है। आपको देखना है कि SEZ कैसे सक्सेसफुल होते हैं, तो इसके संदर्भ में आपको कुछ एक बातें सोचनी है। सबसे पहले तो टूल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट है, तो आपका जो आंसर का पहला पार्ट है ये इस वाली चीज़ से डील करेगा। आपको बताना होगा किस तरीके से SEZ आपके इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में, उसके विकास में, उत्पादन के विकास में और एक्सपोर्ट के विकास में मदद करेंगे। उसके बाद अगली चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, तो इसी के चलते ये ज़रूरी है कि हम लोग SEZ को ऑगमेंट करें, ये बताइए। फिर फाइनली इस पार्ट पे आइए, और जो आपके आंसर का मेन पार्ट रहेगा उसमें आपको बताना है क्या क्या समस्याएं हैं टैक्स के लिए, लॉज के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव समस्याएं जो कि SEZ के सक्सेस को रोक रही हैं। अप्रोच रहेगी, सबसे पहले SEZ क्या होते हैं, क्या इनकी सिग्निफिकेंस है, तो इसी में आप दो चीज़ कवर करेंगे। एक तो ये देश के विकास में मदद करते हैं, एक ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विकास में मदद करते हैं। एक इनसे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा जिससे देश में पैसा आएगा, देश से पैसा जाएगा नहीं। उसके अलावा फिर आप अगले पार्ट में जो अपना यहाँ पे आप डिटेल डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन में आप बोलेंगे कि भाई टैक्सेशन की क्या समस्याएं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या समस्याएं हैं और लीगल समस्याएं क्या है। फाइनली आप कंक्लूड करेंगे वे फॉरवर्ड के साथ। तो देखिए, शुरू मैंने किया है SEZ से। SEZ क्या है? SEZ डिफाइन कर सकते हैं कोई भी ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जो कि अलग से डिलीनिएट किया गया हो, अलग से उसको सेक्टर काट के रखा गया हो। समझ लीजिए ये भारत है, और ये आपका समझ लीजिए जो ये गुजरात का एरिया है, इसको अपन ने काट दिया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये काट दिया यहाँ, इसको हमने बोल दिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब इसमें होगा क्या, इसमें टैक्स के अलग नियम लागू होंगे, इसमें मतलब जो टैक्स आपके नॉर्मली कहीं इंडस्ट्री खोलने पे लगता है वो यहाँ पे नहीं लगेगा। आपके एक्सपोर्ट्स के नए नियम लागू होंगे, आपके यहाँ पे जो लॉज हैं वो कुछ ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे, कुछ और अलग तरीके से रहेंगे। आपके बिजनेस को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश करेगी सरकार अगर आप इस SEZ में अपना बिजनेस खोलते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसा जोन जहाँ पे इकोनॉमिक्स को कुछ स्पेशल प्रावधान दिए जाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये बने किससे हैं, ये एक्ट आया था 2005 में जिसके तहत ये बने हैं। इसमें बिजनेस और ट्रेड जो है उस पर ध्यान रखा जाता है, और इसके जो बिजनेस और ट्रेड होते हैं वो पूरी कंट्री के बिजनेस ट्रेड से अलग होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ अलग स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं जो आप इंजॉय करते हैं। अब क्या सिग्निफिकेंस है SEZ की हमारे देश में? सबसे पहले ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करवाती है, आपको मालूम है गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट में ये मदद करती है, उनको बढ़ावा देती है, इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी उतनी ज़्यादा रोज़गार बढ़ेगा। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है बाहर से जल्दी जल्दी आता है, जिससे फिर इंडस्ट्री बढ़ती है, फिर इंडस्ट्री बढ़ने से फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए भी फ़ायदा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में सरकार यहाँ पे खास ध्यान देती है। उसके अलावा FDI इस सेक्टर में प्रमोट किया जाता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी यहाँ पे अच्छे से बात की जाती है कि भाई इस एरिया में पोटेंशियल है विकास का, तो क्यों ना हम इसको वो सभी चीज़ें दे दें जिससे ये विकास कर सके, भले ही टेक्नोलॉजी हो, FDI हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन्वेस्टमेंट हो। और उससे करेगा क्या, वो जनरेट करेगा आपके लिए एम्प्लॉयमेंट, आपके एक्सपोर्ट्स में मदद करेगा, आपके देश की इकोनॉमिक स्थिति को आगे बढ़ाएगा।
लेकिन अब इसमें कुछ समस्याएं हैं। अब देखिए, क्योंकि क्वेश्चन मुझसे तीन भाग में पूछ रहा था, मैंने आंसर भी तीन भाग में ही बनाया है, जिससे क्वेश्चन को सटीक तरीके से मैं अटैक कर सकूं। सबसे पहले टैक्सेशन। देखिए, सबसे पहले मैट और डीडीटी जो था वो अनाउंस किया गया था 2011 में SEZ जोन्स में। तो अगर कोई नए टैक्स इंट्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब कंपनी को ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। इस वजह से जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होया है वो कम हुआ कुछ हद तक, तो ये टैक्स का जो इंट्रोडक्शन है उससे कम हुआ। फिर 15-16 का बजट अगर अपन उठा के देखें, तो उसमें कोई टैक्स एग्जेम्पशन जो पहले चलते थे वो वापस खींच लिए गए। और कब तक खींचे गए? 2020 तक हम तुम्हें ये टैक्स एग्जेम्पशन नहीं देंगे। वही बात है, अब ज़्यादा पैसा इंडस्ट्री अपनी जेब से खर्च करेगी, तो इसीलिए धीरे धीरे क्या किया कंपनी ने अपना बेस जो है वो वहाँ से विड्रॉ कर लिया, वापस खींच लिया, और वो वापस किसी और ऐसी फॉरेन कंट्री में चले गए जहाँ पे उनको अच्छे प्रावधान मिले टैक्स के संबंधित। तो ये दो समस्याओं ने हमारे SEZ के विकास में एक बाधा का काम किया। फिर उसके बाद अगर अपन एडमिनिस्ट्रेशन बात करें, तो दो हैं इसमें, अनयूटिलाइज्ड लैंड और रीजनल डिस्पैरिटी। देखिए, करीब 50% से ज़्यादा जो ज़मीन है जो कि अलोकेट की गई है SEZ को, वो अभी खाली पड़ी है, उसमें कोई भी विकास नहीं हुआ। तो ज़रूरी है उसको विकास करना। अब उसमें क्योंकि विकास नहीं हुआ, तो वो किसके हत्थे लगती है? वो लगती है लैंड माफिया के हत्थे, और उस लैंड का गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से वो जो एक देश के विकास के लिए लैंड दी गई थी, वो गलत इस्तेमाल में यूज़ हो रही है। और फाइनली ये सब के पीछे फैक्टर क्या है? वो है एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस। आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से वो गलत मिसयूज़ हुई है। और रीजनल डिस्पैरिटी, आपको ये जान के ताजुब होगा कि जो अपने पूरे भारत के 2/3 SEZ हैं, वो सिर्फ 5 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। कौन से वो 5 राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड गुजरात। तो आप ये देखिए कि भाई, सबसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात। तो आप ये देखिए भाई, पूरे इंडिया में इसके अलावा SEZ नहीं बने हैं, सिर्फ इन कुछ कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में ही बने हैं। तो ये एक समस्या है, इन एरिया का विकास होगा, बाकी देश थोड़ा पीछे रह जाएगा। इससे आगे क्या होता है? जो 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो इन्हीं राज्यों में आ रहा है। उसके अलावा 83% जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है वो भी इन्हीं राज्यों में हो रहा है। तो अपने आप रीजनल डिस्पैरिटीज बनेगी, लोगों में रीजनलिज्म की भावना आएगी, ये बढ़ावा देंगे क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट्स को। जो यहाँ पे लोग हैं वो स्टेट्स कटना चाहेंगे, अलग हटना चाहेंगे, वो कह रही है हमारी वजह से अगर आप पूरे एरिया को फ़ायदा हो रहा है, तो हम कट के सिर्फ अपना फ़ायदा लें। तो इस तरीके की टेंडेंसीज को ये बढ़ावा दे सकती है। SEZ के डेवलपमेंट में भी ये बाधक का काम करती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ लीगल पे। देखिए, लीगल क्या है आजकल, अभी इस समय मल्टीपल मॉडल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक जोन्स के, जैसे SEZ, कोस्टल इकोनॉमिक जोन, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क। तो आप देखिए, न जाने कितने सारे पार्क और इकोनॉमिक जोन्स खुल रहे हैं। तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। आप जहाँ पे SEZ खोल रहे हैं, वहाँ पे आप कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स खोल रहे हैं। तो इससे एक और नुकसान ये है कि आपका ध्यान एक जगह लगने के बजाय ध्यान इधर उधर बंट जाएगा। अगर आपका ध्यान इधर उधर बंटता है, तो फिर आप उसमें सही रिजल्ट्स नहीं दिखा पाएंगे। इससे बहुत सारे ओवरलैपिंग लॉज भी यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये नुकसानदायक बात है। कंक्लूड मैंने इसको ये किया है कि भाई, कुछ ज़रूरतें हैं, मतलब मैंने यहाँ पे दिया है आपका वे फॉरवर्ड। मैंने कहा है कुछ ज़रूरतें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिन पे ध्यान देना। सबसे पहले, अगर आपको SEZ को एस्टैब्लिश करना है, तो कोशिश करें कि फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड पे ना एस्टैब्लिश करें। क्यों? क्योंकि वहाँ से देश का एग्रीकल्चर चल रहा है। एग्रीकल्चर में विकास होगा तो देश का कम्प्लीटली साथ में पूरे देश का विकास होगा, तो उसको अवॉइड करें। दूसरी बात, एक लिमिट सेट होनी चाहिए कि भाई, एक एरिया में इतने SEZ खुल सकते हैं। और आप ज़्यादा कोशिश करें कि जो देश के पिछड़े इलाके हैं उनमें SEZ खोलें, तभी तो वो आगे आएंगे आपके साथ। आपको अगर देश को चलाना है, तो पूरे देश को आपको एक साथ लेके चलाना पड़ेगा। अगर आप समझे देश का सिर्फ इतना या इतना हिस्सा ही आप आगे बढ़ाएंगे, और बाकी एरियाज पीछे रह जाएं, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सब पीछे रह जाएं, तो वो नहीं चल पाएगा। आपको नॉर्थ ईस्ट का पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज करना पड़ेगा, आपको इस एरिया का पोटेंशियल यूटिलाइज करना है, आपको इस एरिया का पोटेंशियल यूटिलाइज करना है, तभी देश सब एक साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, तो जो लोगों को आप SEZ बनाने के चक्कर में डिस्प्लेस करते हैं, वहाँ से उन पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। उनके लिए प्रॉपर रिहैबिलिटेशन स्ट्रैटेजीज बनाएं, जिससे उनको कहीं और आप घर दे सकें। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया। इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इस डिस्कशन से मदद मिली होगी। आप बस मेरी इस बात को माने, इस सबसे सीख के खुद इनकी प्रैक्टिस करें, इसको अप्लाई करें, और फिर उसमें आप एक्सेल करें, आप आगे बढ़ें।
मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।